आ जाओ। अरे वो भाई अभी आगे बात कर रहा था। अब बोल रहे स्ट्रेचिंग कर रहे थे। भाई प्लीज जा भाई तू उधर जा। हो गया हो गया हो गया हो गया। शेयरिंग दिस साइड ही इज माय हस्बैंड उबेसुर रहमान। आप सब तो जानते ही होंगे क्योंकि इनके वजह से ही मुझे पहचानते हैं आधे लोग। और ही इज माय ब्रदर इन लॉ मिस्टर तबरेज खान एंड ही इज माय रियल ब्रदर शादुल। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड इनको आप जानते हो। हेलो हेलो तो एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। हमने सोचा था कि हम 2024 में अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे तो आई डोंट नो कैसे बनाते हैं क्या करते हैं बट कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम में तो हो जाएगा धीरे धीरे। मैं ट्राई करूंगी कि हर 2 से 3 दिन में आपको एक वीडियो मिले ताकि आपको पता चले प्रॉपर हमारा लाइफस्टाइल, प्रॉपर हमारा रूटीन, हर एक चीज। तो अभी हम जा रहे हैं फाइनली हमारी न्यू कार लेने के लिए। हाँ मुझे मैसेज आते हैं मैम आप क्या करते हो सर कहाँ रहते हैं। मैं बोला चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। कोई बात नहीं। तो अभी एक्चुअली हम जा रहे हैं हमारी न्यू कार लेने के लिए। प्रियोन कार है तो मैं वहां जाकर आपको दिखाती हूँ कौन सी कार है, कौन सा मॉडल है, सारी चीजें। ठीक है ये हमारी ब्रांड न्यू कार स्कोडा कुशैक एंड ये हमारे कुछ दोस्त। मुझे 1 मिलियन व्यू चाहिए। 1 मिलियन बस बस। आप इधर मेरे वाले कैमरे में देखना। 1 2 3 स्माइल डन। वेरी नाइस। इतना सा खाने से कुछ नहीं बढ़ रहा। ये फॉर्मेलिटी होती है ऐसे नहीं चलता काम। क्या फॉर्मेलिटी होती है? सो हाँ जी किस चीज का वेट कर रही हैं आप? मैं बस मेरी नई कार आई है तो उसका वेट कर रही हूं। अच्छा नई कार आई है कौन सी? कुशैक। अच्छा स्कोडा की। ओ रेड कलर। वाओ इसे तो मैंने रेड पहन कर आया है। मैंने अच्छा। मैचिंग तो होना चाहिए। वाओ और ये भाई साहब आपकी कॉपी कर रहे हैं ना? हाँ ये तो सस्ता वो सॉरी डोनाल्ड लगे हैं। और ये ये ब्लैक एंड व्हाइट है और ये आ गए हमारे सारे साथ के। और भाई साहब हाय ब्रो हाउ आर यू। हाय डिफेंडर सर। भाई डिफेंडर। और ये हमारे संजय। चलो लेट्स वेट फॉर द कार। आ गई कार और आ चुकी है यहाँ पे। लेट्स सी लेट्स सी। तो अभी हमारा फोटो शूट वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है। अब हम थोड़ी देर में घर जाएंगे कुछ खा पी के। सर पार्टी दोगे क्या? नई कार की पार्टी तो दे दो। You India? Yeah, India. You're from India. Come yeah. on, let's go in the mall right now. People are doing gym right now. You're the reception? Jurki. Okay. Bye, guys. Bye, people. Let's go. कैसा फील हो रहा है आपको अपनी नई कार चलाकर? बहुत अच्छा। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस नहीं है गाइस। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं अपनी नई कार लेकर और अभी हम जा रहे हैं नोएडा रोहिणी से क्योंकि हमें थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। हमारी थोड़ी सी पेंडिंग था। हम 2 दिन बाद कहीं पर जा रहे हैं घूमने के लिए। आप लोग गेस करना कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। और जब आप मैं पैकिंग वगैरह करूंगी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोग मुझे गेस करना कि एग्जैक्टली कौन सा लोकेशन है। ठीक है तो चलो अभी हम यहाँ से निकलते हैं बाकी मैं आपको दिखाऊंगी। सो फाइनली गाइस अब हम घर पर आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी बट जैसे मैं घर पर आई तो पार्सल्स वगैरह भी आ रखे थे कुछ कुछ तो मैंने सोचा पहले ओपन कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को जैसे मैंने बताया सिर्फ
एक दिन रह गए शायद हमारे जाने में, हाँ परसों के दिन की हमारी फ्लाइट है तो मुझे ये सब कुछ भी देखना है, तो चलो आपके साथ ओपन करते हैं। पता किसमें ये पैकिंग बैग्स वगैरह है, ट्रैवल ब्लैंकेट बिकॉज मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और अभी तो ठंड बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, तो यहाँ से जब एयरपोर्ट जाएंगे और फिर वहाँ पर हमारा थोड़ा सा हॉल्ट है बीच में रुकने का तो बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। मैंने अमेज़ॉन से बुलाया है, देखते हैं कैसा है। ओके नाइस, इट इज़ वॉर्म एंड दिस इज़ ट्रैवल बैग, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम पैक कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक है बट वो ना क्या हुआ कि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो गई थी तो वो मिल नहीं रहे थे, तो मैंने एक और ऑर्डर कर लिया काम हो जाएगा। एंड लास्ट ये ऊद रोमेंशिया है जो कि परफ्यूम है, उवेस को बहुत ज़्यादा पसंद है इसकी स्मेल, क्योंकि ये क्या होता है ना जब भी हम लगाते हैं और कई दिनों तक भी अगर हमारे कपड़े रखे हुए हैं वापस से हम पहनते हैं तो फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी आती है, तो ये मैं हमेशा उन्हें गिफ्ट करती हूँ। तो इस बार उनका ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना ऑर्डर कर दिया जाए, तो उन्हें भी पता नहीं है, मैं उन्हें गिफ्ट कर दूँगी। ओके मैंने पार्सल खोल लिया, मुझे लगा कि शायद मेरा पार्सल है बट वो उनका पार्सल था, मतलब उनके लिए बुलाया था, कोई उसको वापस से पैक करके हम उन्हें गिफ्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी अभी देखते हैं क्या प्लान होता है, बाकी फिर मैं आपको अपडेट करती हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली अब मैं अपनी पैकिंग करने जा रही हूँ स्टार्ट। अभी रात के 1 बज रहा है लेकिन आज ही हमें निकलना है दोपहर में, तो अभी मैं सब कुछ पैक करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को अपडेट देती हूँ कि मैं कैसे कैसे क्या क्या पैक कर रही हूँ, क्या क्या मैंने शॉपिंग किया, सब कुछ मैं आपको अपडेट देती हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख लिया है, 10 से 15 मिनट लगे मुझे, मैंने कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पार्सल रखे थे अलग अलग रूम में, वहाँ से सब कलेक्ट कर लिया है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन से पार्सल में क्या है और मैं कैसे पैकिंग कर रही हूँ, ठीक है, और मैं क्या क्या चीज़ें रख रही हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली अब सारा सामान जम चुका है, मैं धीरे धीरे सामान निकालती हूँ, मुझे तो याद भी नहीं है कि कौन सा सामान मैंने कहाँ से लिया था, बट मैं आप लोगों को
कलेक्शन है जिसमें मेरी 6 to 7 ड्रेसेस है, उसके बाद ये मेरे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स है एंड देन ये मेरे लाइट वेयर्स है और ये कुछ कंफर्ट वाला जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगेगी वहाँ पर जब हम बीच से या कहीं से वापस आएंगे तो उसके बाद मैं इनका कंसिडर करूँगी एंड आफ्टर दैट कुछ मेरे पर्स हैं एंड माई मोस्ट फेवरेट थिंग जो कि मैंने कस्टमाइज करवाया है वहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए जरूर मिलेगा, मैं पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी एंड इसमें भी कुछ कुछ मेरी चीज़ें हैं, ये मेरा बैग है एंड समथिंग एसेसरीज जो अभी मुझे सेग्रीगेट करना है उसके बाद मैं कुछ इनमें डालूंगी अपना शैम्पू कंडीशनर एंड छोटी छोटी जो चीज़ें होती है लाइक क्रीम है ना ये बाकी सनस्क्रीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं पूरा की पूरा डब्बा लेकर जा रही हूँ बाकी कुछ हेयर ड्रायर एंड मेरा हेयर कलर भी यही गई था। अब मैं फटाफट से ना इनको बैग में रखती हूँ फिर मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने कैसे कैसे बैग में सेट किया है, ठीक है। ओके गाइस तो फाइनली मेरे सारे पैकिंग हो गई है, अब मैं अपने सूटकेस में रखती हूँ। जिम जाती हूँ मैं, दिस माय बैग मैंने इसलिए एक ही रखा है, सारा सामान एक ही में रख लिया ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। ये तो लोग भी निकाल मेरा तो हो गया बैकपैक, अभी ओवेस की तो सफाई चल रही है और रात के 3:30 बज रहे हैं। कैमरामैन बट कोई नहीं, ठीक है। जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो उसके एक दिन पहले सोना तो होता नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ रह जाता है या फिर उनकी आदत है कि वो हमेशा पहले सफाई करेंगे उसके बाद फिर अपना सामान जमाएंगे, सुबह मॉर्निंग हो जाती है जब भी कहीं पे भी जाना। कोई नहीं मैं आपको बताती हूँ उनका भी कैसा क्या है। ओके गाइस तो मैं फाइनली इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताना क्योंकि ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो था। अगर आप लोगों के रिव्यूज़ अच्छे आएंगे तो मैं आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ बनाती रहूँगी। बाकी मैं आप लोगों को आगे अपडेट करती हूँ कि हम कौन से प्लेस पे जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें करेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, मैं सब कुछ आपको वीडियोज़ के थ्रू अपडेट करती रहूँगी मतलब ब्लॉग्स के थ्रू। बाकी लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना यही कहते हैं कर लेना।